कल हमने आप लोगों को बताया था कि आसमान और पहाड़ कैसे बनेगा। आज पेंटिंग का नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि धरातल कैसे बनेगा। ठीक है, सैबग्रीन कलर एंड ये है ब्राउन कलर। आपको क्या करना है, सैबग्रीन कलर और ब्राउन कलर लेना है। पहले आपको क्या करना है, ब्रश को हल्का सा वॉश कर लेना है जिससे ब्रश थोड़ा गीला हो जाए। ये देखिए, पहले आप एक साइड आपको लेना है सैबग्रीन कलर, फिर एक साइड आपको लेना है ब्राउन कलर। ये देखिए, फिर आपको क्या करना है, इसको घुमा लेना है। आपको जो नोटबुक होगी उसको आपको घुमा, आपको क्या करना है, ये तो कलर आपको यहाँ से ऐसे आपको ये लगाने हैं। ये देखिए, मैंने ये तो कलर, अब मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ, ब्राउन एंड ब्लैक, ब्राउन एंड सैबग्रीन द्वारा लेना है। यहाँ कलर लगाया, फिर इसमें आपको करना है ब्रश को वॉश करके इसको मिक्स करना है। जो आपने यहाँ ब्रश को जो आपने मिक्स किया था, आपको ब्रश क्या करना है, दोबारा नहीं चलाना है। आपको ब्रश को जहाँ पर नहीं चला था वहीं पर आपको दोबारा, मतलब आपको डार्क से लाइट करना है, कि लाइट से डार्क होना है। अब नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं नदी पे, कि नदी का कलर अपन कैसे करेंगे। नदी के लिए अपन को नोटबुक सीधी कर लेनी है। फिर ये देखिए, आपको क्या करना है, आपको लेना है लाइट ब्लू कलर। ये देखिए, इसको बोलते हैं लाइट ब्लू कलर, इसको इसमें लिखा होता है कोबाल्ट ब्लू। ये देखिए, हमने लिया है लाइट ब्लू कलर, इसको बोलते हैं कोबाल्ट ब्लू, जिसमें नाम लिखा है कोबाल्ट ब्लू। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको निकल कर पानी लगा लेना है। ये देखिए, पानी लगाने के बाद आपको लाइट ब्लू कलर लेना है। ये देखिए, लाइट ब्लू कलर आपको जो आपने धरातल बनाएंगे वो आपको यहाँ इस कोने में नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, आपको ये यहाँ पे इसके थोड़े जो धरातल अपन बनाएंगे ना, धरातल के नीचे कलर लगाने हैं आपको। ठीक है, अगर अपन यहाँ करेंगे तो यहाँ का शेड अपन को दिखेगा। अपन को क्या करना है, इसको मिक्स कर देना। जैसे अपने धरातल मिक्स किया है, वैसे ही आप नदी का शेड मिक्स कर दोगे। अगर ये ज़्यादा ही लाइट हो रहा है, थोड़ा सा कलर और ले लेंगे अपन। अब अपन करते हैं राउंड ब्रश का काम, घरों के कलर। ये जो घर है, ये देखिए इन पे कलर कैसे होगा। नेक्स्ट स्टेप, आपको कोई भी कलर लेना है, मैं लेता हूँ ऑका येलो कलर। ठीक है, ये देखिए, ये है ऑका येलो कलर, इस पर लिखा हुआ है। आपको ब्रश को थोड़ा सा गीला किया, ये है राउंड ब्रश। ठीक है, ये देखिए आपको क्या करना है, एक जो अपने घर ड्रॉ किए हैं अपने इसकी लाइन खींची है। ये देखिए, ये पार्ट, ये पार्ट, एक सीधा पार्ट ये खींचेगी, एक सीधा पार्ट ये खींचेगी, एक सीधा पार्ट ये खींचेगी, एक सीधा पार्ट ये। आपको ब्रश को वॉश किया, फिर आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को आपको मिक्सअप करना है। ये वाला पार्ट आप यहाँ तक लाएँ। ठीक है, फिर आपको फिर से ब्रश को वॉश किया, ये वाला पार्ट आप दोबारा वहाँ पे ले और डार्क करने के लिए। फिर ब्रश को वॉश करके आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट लाइट करना है। ठीक है, ये देखिए वही पैटर्न आपको यहाँ बनाना है, एक साइड डार्क करना है, एक साइड आपको लाइट करना है। ये देखिए, फिर से ब्रश को वॉश करेंगे। अब जो घर का जो कच्चे मकान का जो छप्पा रहता है, वो रहता है घास की तरह। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, लेमन येलो कलर लेना है। ठीक है, लेमन येलो उसके छप्पे पे कर देना है। ये देखिए, ये लेमन येलो कलर लिया, ये ऊपर से लगाया, इसको फिल कर दिया लेमन येलो। आपको ये देखिए, रेड कलर आपको एक साइड से लगाना है और इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जब तक ये सूखेगा तब तक आप इसके या चाहे आप पत्ती बना लें। ठीक है, क्योंकि देखिए एक पार्ट और है, आप क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये खाली खाली लगाए तो आप दोबारा से सैबग्रीन कलर लेंगे। ये देखिए, आपको दोबारा सैबग्रीन कलर लेना है। ये देखिए, ये वाले आपको लाइन करनी है, ये वाला लाइन आपको अच्छी हाँ ठीक लगेगा। ठीक है, बाकी देखा आपको फिर वॉश करना है ब्रश को। ठीक है, ये देखिए आपको ये वाली लाइन आपको अटेंड करनी है, ये वाला पार्ट आपको। ये देखिए, ये उधर क्या है। अगर आप इसमें पीछे पत्तियाँ बनाना चाहें तो ये देखिए, पत्तियों में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था जो ब्रश जो फ्लैट ब्रश है ना, उसको आपको क्या करना है, सूखा चलाना है पत्तियों में। आप देखिए, आप डार्क ग्रीन ले सकते हैं, चाहे आप सैबग्रीन लेना है तो आप सैबग्रीन लेना है, डार्क ग्रीन का शेड दे देंगे। ठीक है, ये देखिए